आप 2023 में एक नया सिस्टम लेना चाह रहे हैं 3 किलोवाट का। आप चाह रहे हैं भाई अपने घर का नॉर्मल लोड है, मेरा वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, फ्रिज है, 1 टन तक का इन्वर्टर एसी है या सोलर एसी है, या मेरा समरसेबल है जो पानी के लिए लगा रखा है वो चलाना है, तो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम लेना चाह रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं भाई आज 2023 में कितने पैसे का ये सिस्टम पड़ने वाला है, कम से कम कीमत में मुझे कितने पैसे में ये सिस्टम मिल जाएगा। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं आपको, सबसे अच्छी क्वालिटी का पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बायफेशियल पैनल है, मोनोपर्क हाफ कट सेल के अंदर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, आज की डेट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल, उसके साथ में एवीआर टेक्नोलॉजी का पीसीयू जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आपके समरसेबल और एसी दोनों को चला सकता है। उसके पीछे आप देख रहे हैं लेड एसिड की बैटरी आपको 2 दिख रही है, तो मात्र 2 बैटरी पे, जिससे आपका बैटरी का खर्चा ज़्यादा ना हो। उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि जी मुझे तो लिथियम बैटरी के साथ लेना है, नई टेक्नोलॉजी की बैटरी के साथ लेना है, तो उसके बारे में भी आज कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों होने वाली है। 2023 में नई टेक्नोलॉजी में क्या रेटों में परिवर्तन हुआ है, क्या चीज़ कितने पैसे की आपको मिलने वाली है और क्या क्या लोड चलाएगी, जी कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में दोस्तों हम देंगे। एक चीज़ के अलग प्राइस भी बताएंगे और कंप्लीट जानकारी आज आपको देने वाले हैं दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजय। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर सकते हैं, ये आपका अपना पेज है विजय यादव सोलर एक्सपर्ट के नाम से। तो दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए, पहले बात करते हैं पीसीयू की कीमत के बारे में। तो इस पीसीयू ये एबीआर टेक्नोलॉजी के साथ पीसीयू है और नई टेक्नोलॉजी के साथ पीसीयू है, जहां वोल्टेज बहुत कम है वहां भी ये काम कर लेगा, बिना पैनल के भी इसको आप चला सकते हैं। और ये आपका समरसेबल चलाने की या 1 टन तक का इन्वर्टर एसी या 1.5 टन तक का सोलर एसी चलाने की क्षमता रखता है। तो इसकी कीमत की हम बात करते हैं शुरू में, तो इसकी कीमत है 21,000 रुपये प्लस GST। तो पीसीयू हमने 3 किलोवाट का सिस्टम की टोटल बात कर रहे हैं, आप पेंसिल लेके लिख सकते हैं, वैसे मैं भी हर चीज़ का टोटल बताने वाला हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो 21,000 रुपये का पीसीयू पड़ने वाला है, GST एक्स्ट्रा है आपको। और ये पीसीयू जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी का है, एक बार इसको मैं आपको खोल के दिखाऊँ, थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी भी समझ जाएंगे, रेट के साथ साथ क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या एडवांस है, तो अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो जाएगी और आपको इसके रेटों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। ये नई टेक्नोलॉजी का एवीआर टेक्नोलॉजी का पीसीयू है नेक्सस सोलर एनर्जी का। और देखिए इसके अंदर जो पैकिंग देख रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन 50 mm का जो फॉर्म लगा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए। और इस पीसीयू को हम बाहर निकालते हैं, देख रहे हैं पीसीयू को हमने बाहर कर दिया है और ये देख रहे हैं का यूजर मैनुअल है और ये 24 वोल्ट पीसीयू है दोस्तों। तो 24 वोल्ट में यानी कि 2 बैटरी के साथ काम करने वाला पीसीयू है, 3 KVA का पीसीयू है। आगे से आप देख रहे हैं इसका ये फ्रंट में आप देख रहे हैं फ्रंट पैनल है ये, उसके बाद में आप डिस्प्ले देख रहे हैं इसकी, यहाँ से सेटिंग के सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें, ये ऑन ऑफ के लिए बटन है। और इसके बाद में पीछे थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको एक बार, तो ये बीच में कनेक्टिंग के लिए लीड है अगर आप लेड एसिड के साथ चला रहे हैं, और अगर आप लिथियम के साथ चाहते हैं तो इसे आप लिथियम के साथ भी चला सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का पीसीयू है, दोनों मॉडल पे कंपैक्ट है, आप लिथियम के साथ चाहे लिथियम, लेड एसिड के चाहे लेड एसिड, इसमें सेटिंग करने का ऑप्शन है। इसे पीछे देख रहे हैं दोस्तों ये बैटरी के लिए लीड है, अगर हम लेड एसिड पर लगा रहे हैं, अभी लेड एसिड की 2 बैटरियाँ रखी हैं आप देख रहे हैं आपके पीछे, और लिथियम पर चाहेंगे तो लिथियम पर भी इसे लगा सकते हैं। मेंस के लिए MCB है, आप देख रहे हैं मेंस के लिए MCB है, सोलर के तार यहाँ लगा सकते हैं आप। उसके बाद में इन्वर्टर UPS, ये फैन देख रहे हैं 4 इंच से थोड़ा बड़ा फैन है, 5 इंची का फैन है, और अर्थ के लिए दिया है एक तार, इसमें अर्थ के लिए लाइन इन लाइन आउट। तो पूरा एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम होने वाला है, और विशेष फीचर ये है कि ये AVR टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। तो ऐसी जगह जहाँ वोल्टेज बहुत कम रहते हैं, शिकायत रहती है जी वोल्टेज हमारे यहाँ 150 के आसपास रहते हैं, तो हमें बिजली से चार्ज नहीं हो पाता सिस्टम, तो वहाँ इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा कामयाब पीसीयू है। उसके साथ साथ प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी है इसकी, तो साइन वेव टेक्नोलॉजी है, तो ये कोई अच्छा पीसीयू है। अब बात करते हैं इसके साथ में, हम चूँकि हमने 2 बैटरी ली है तो लेड एसिड 2 बैटरी ली है। लेड एसिड बैटरी की अगर हम कीमत की बात करते हैं, चूँकि आज हम जो बात कर रहे हैं 3 KVA सिस्टम की कीमत की बात कर रहे हैं, 12,500 रुपये की एक बैटरी है, तो दोनों बैटरी हमें 25,000 रुपये की मिलने वाली है। GST एक्स्ट्रा है दोस्तों, GST मैं नहीं लगा रहा हूँ सिस्टम में, 21,000 रुपये का मैंने पीसीयू बताया ये विदाउट GST है, और 25,000 रुपये की 2 बैटरी बताई ये विदाउट GST है। अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की, किसी भी सिस्टम में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक इन्वर्टर अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करते हैं, और बैटरी
और पैनल। अगर हम ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो वहाँ हमें एक इन्वर्टर चाहिए था होता है और पैनल चाहिए था होता है, और जहाँ हाइब्रिड की बात करते हैं तो वहाँ हमें बैटरी, पैनल और पीसीयू, तीन चीज़ें चाहिए होती है जो मेनली हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग, ये नॉर्मल खर्चे होते हैं, इनको अभी मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं पैनल के बारे में दोस्तों। तो जब पैनल की हम बात कर रहे हैं, पैनल देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा हाई इफिशियंट पैनल है आज की डेट में, 23% इफिशियंट पैनल है, नेक्सस सोलर एनर्जी का बायोफेशियल पैनल। इस पैनल की कीमत की अगर हम बात करते हैं, तीन पैनल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तीन पैनल लगे हुए हैं, 580 वाट के तीन पैनल हैं, और तीन पैनल की हम कीमत की बात करते हैं तो ये 1740 वाट हो गया और 40 रुपये वाट का रेट है, तो ये पैनल हमारा हो गया 69,600 रुपये का। ये हमारा पैनल हो गया 40 रुपये वाट के हिसाब से, 1740 वाट का हमारा पैनल है, GST अभी हमने इस पर भी नहीं लगाई है। तो तीनों चीज़ों की अगर हम कीमत की बात करते हैं तो तीनों चीज़ों की कीमत हो जाती है दोस्तों 1,15,600, और उसमें 12% हम GST लगा देते हैं तो ये सिस्टम हमारा हो जाता है 1,29,472 रुपये का, जिसमें हमने अभी स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग का खर्चा नहीं जोड़ा है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बताया है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बताई है, एक पीसीयू लिया है, दो बैटरी ली है और पैनल लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिस्टम ले सकते हैं। आप चाह रहे हैं भाई मुझे तो लिथियम बैटरी के साथ बताएं, सर लिथियम का तो आपने बात की नहीं, तो लिथियम बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो पीसीयू हमारा 21,000 रुपए का हो गया, पैनल हमारा आपका 69,600 रुपए का हो गया, यहाँ बैटरी की कॉस्ट पड़ जाएगी तो बैटरी 22 रुपये वाट है और 25.6 × 100 AH की हम बैटरी लेते हैं, 25.6 वोल्ट में 100 AH की बैटरी, 2560 वाट की वो बैटरी हो गई, तो 2560 वाट की बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो 56,320 रुपये की वो बैटरी हमें पड़ जाती है, प्लस 12% GST की बात करते हैं तो जोड़ के 63,078 रुपये की एक बैटरी हमें पड़ गई है जो लिथियम बैटरी अगर हम लेते हैं, तो ये सिस्टम अब हमारा हो जाता है 1,53,678 रुपये। जहाँ हम लिथियम बैटरी की बात करते हैं, जो बैटरी 15 साल वारंटी वाली है और लगभग 20-25 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, और अगर हम लिथियम बैटरी की बजाय लेडीसी बैटरी के साथ बात करते हैं तो सिस्टम हमारा 1,30,000 से भी कम पैसे में, यानी कि 1,29,472 रुपये में पड़ने वाला है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, वायर और इंस्टॉलेशन का खर्चा एक्स्ट्रा है जो मैंने नहीं जोड़ा है दोस्तों। तो ये सिस्टम आप लगवा सकते हैं। आप बात करेंगे भाई ये सिस्टम लोड क्या क्या चला लेगा, तो ये सिस्टम जो है आपका लोड चलाएगा आपका टीवी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो घरेलू लोड है उसके साथ में आप समरसेबल चला सकते हैं। जब समरसेबल चलाएंगे तो अन्य लोडों को आप बंद कर लेंगे, या उसके साथ में आप 1 टन तक का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं दिन के टाइम में, और रात के टाइम में भी चाहते हैं क्योंकि बैटरी बैंक थोड़ा कम है तो घंटे दो घंटे आप रात के टाइम में चला सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम में आप चूंकि सोलर की सपोर्ट होती है उस समय आप 1 टन तक का इन्वर्टर एसी या 1.5 टन तक का सोलर एसी चला सकते हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों का होता है भाई कम बजट में कम बैटरी के साथ एक सिस्टम मिल जाए। 3 kVA में 48 वोल्ट, बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे, हाइब्रिड सिस्टम भी हैं, कॉस्टली तो बहुत सारे सिस्टम हैं। अभी कंपनी ने एक इनो सीरीज निकाली है ट्रांसफार्मर लेस, वो 3 kVA बहुत एडवांस सीरीज है, उसको आप पैरेलली जोड़ सकते हैं 20 सिस्टम आपस में, और उसके बाद में 48 वोल्ट में 3 kVA है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा कम बजट में, आप चाह रहे हैं भाई कम बजट में मेरा सिस्टम लग जाए, कम बैटरी का खर्चा हो और लॉन्ग टाइम मेरा चलता रहे, रात का लोड कम है दिन का लोड मेरा ज़्यादा है, तो ये सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन होगा भाई लेना कहाँ से है, परचेज कहाँ से करें, तो उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहाँ जाकर सीधा ले सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के डिस्प्ले पे भी नंबर दे रहा हूँ, इनसे बात कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूँ, आप बात करके ये सिस्टम परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, और आप मेरी वीडियो में अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।